उसके बाद बी पार्ट है ईयर्स पिकिंग पिक टू प्रिक सम साउंड, कान ऐसे खड़े हो गए थे ये आवाज़ें सुनने के लिए, ये आवाज़ें कौन सी और कहाँ से आ रही हैं। थ्रोज ऑफ फियर, डर का घेराव, ठीक है। हुक्का ओटर्न्स, जो हुक्का थी जो उसके पास वो तम्बाकू पीने का जो जजीर थी, कहीं वो उलट ना जाए। द फॉरेस्ट ऑन फायर, जंगल में आग लग गई या लगी है। कांट लिफ्ट इट्स लेग्स, वो अपनी टांगों को उठा नहीं पा रही थी। साउंड ऑफ पाज, अपने ही पंजों की आवाज़ उसको खौफनाक लग रही थी। द बुलबुल ट्रेम्बल्स, जो बुलबुल थी वो थरथरा रही थी। द बुलबुल हाइड्स इन द बुशेस, बुलबुल अपने को झाड़ी में छुपा रही थी। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है डिस्कशन का, द पॉइट रिवील्स अ टसल बिटवीन द लव ए मदर हैज़ फॉर हर चिल्ड्रन एंड द लव द मदर हैज़ फॉर ओन सेल्फ एज ए पर्सन। इस पॉइंट में हमें देखने को मिला कि ये जो पॉइट है ये हमें दिखाना चाहता है कि माँ जो है वो इस टाइम ऐसे कश्मकश में फंसी हुई है कि वो अपनी जान बचाए कि अपने बच्चों की जान बचाए, ऐसा उसने कैसे दिखाया है। एवरी मदर लव्स हर चिल्ड्रन, तो पता है आपको कि हर एक माँ अपने बच्चों से प्यार करती है। इट इज़ ओनली द मदर हु टेक्स केयर ऑफ हर चिल्ड्रन, सिर्फ माँ ही अपने बच्चों का ख्याल रख सकती है। ए चाइल्ड इज़ अ पार्ट ऑफ हर लाइफ एंड बॉडी, ये बच्चा जो है उसकी ज़िंदगी का और उसके जिस्म का हिस्सा होता है। बट समटाइम्स शी हैज़ टू गिव मोर इम्पोर्टेंस टू हर सेल्फ देन हर चिल्ड्रन, लेकिन कभी कभी माँ को अपनी तरफ ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है अपने बच्चों के बरक्स। द रीज़न बिहाइंड इट मे बी द फ्यूचर एंड लाइफ ऑफ हर चिल्ड्रन, इसके पीछे भी रीज़न यही होता है कि वो अगर अपना आप बचाना चाहती हैं या अपने लिए कुछ करना चाहती है तो दिमाग में दिल में यही होता है कि मैं अपने बच्चों के लिए ज़िंदा रहूँ, ठीक रहूँ, ताकि मैं अपने बच्चों की देखभाल कर सकूँ, कहीं मेरे बच्चे जो है वो मेरे बगैर दर बदर ना हो जाए, नुकसान ना पहुँचे उनको, ठीक है। बट सच सिचुएशन क्रिएट्स अ टसल इन हर माइंड व्हाट टू डू, और ऐसी सिचुएशन पर जब उसको अपने बच्चों के लिए ही अपने बच्चों से दूर जाना पड़ता है तो तब ये एक किस्म की जो है कश्मकश उसके दिमाग में चलती है कि मैं क्या करूं। शी डज़ नॉट वॉन्ट टू लीव हर चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों को छोड़ना नहीं चाहती हैं, बट फॉर देयर सेक, लेकिन उन्हीं के लिए शी हैज़ टू गो अवे फ्रॉम देम, और लेकिन अपने बच्चों के लिए है उसको उनसे दूर जाना पड़ता है। द सेम सिचुएशन अराइजेज इन द पोएम कार ड्राइवर, यहाँ कार ड्राइवर में भी ऐसी हालात हैं। When a mother bird has to leave her young ones to search food for them, जहाँ पर एक माँ को अपने बच्चों को छोड़ना पड़ता है अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने के लिए ही। She is about to fly to the nest where her little children are waiting for food, अब उसने खाना उठाया अपनी चोंच में अपने बच्चों की तरफ, वो उड़ने ही वाली है कि क्या हुआ। But she could not lift her legs, लेकिन वो अपनी टांगों को उठा नहीं पा रही थी, क्यों? बिकॉज ऑफ फियर, डर की वजह से। वो डर क्या था? द फियर इज़ क्रिएटेड बाय द कार ड्राइवर हु इज़ असलीप एंड हैज़ ए हुक्का इन फ्रंट ऑफ हिम, ये खौफ किसने पैदा किया है? कार ड्राइवर ने, जो मस्त सोया हुआ है और उसके सामने हुक्का पड़ा हुआ है। द बुलबुल इमेजिन द फॉरेस्ट ऑन फायर विच फिल्स हर माइंड एंड हार्ट विद फियर, बुलबुल जो है तस्वीर में ही सोच रही है कि जंगल को आग लग जाएगी और जिसकी वजह से उसके दिमाग और दिल में खौफ बैठ जाता है। शी कैन नॉट अंडरस्टैंड वॉट टू डू, अब उसको समझ नहीं आ रही थी वो क्या करें, वेदर टू सेव हर लाइफ और द लाइफ ऑफ हर चिल्ड्रन, उसको समझ नहीं आ रही थी अब वो अपनी जान बचाए कि अपने बच्चों की जान बचाए। इसके बाद आज हम इस प्रेजेंट और पास्ट जो टेंस हमारा है इसको हम आज एक रिवाइज करते हैं, उसके बाद कल हम फ्यूचर टेंस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको ये आपको फिल द ब्लैंक्स दिए हुए, मिक्स है ये। पहला आपको यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे शी वॉज है, वी हैव है, आई हैव बीन है, डू यू है, वी आर है, इससे आपको पता चल जाएगा मुझे कौन सा वाला टेंस फिल करना है, क्योंकि वॉज लिखा हुआ है तो आपको यहाँ पे कौन सा फिल करना है, पास्ट कंटिन्यूस, ठीक है। यहाँ पे हैव लिखा है तो आपने प्रेजेंट परफेक्ट फिल करना है।
हैव बीन लिखा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, डू यू लिखा है तो ये इंट्रोगेटिव फॉर्म है किसकी, सिंपल प्रेजेंट की, तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट आपने फिल करना है। इसी तरह आपने यहाँ पे देखना है कि यहाँ पर मैं कौन कौन सा फिल करूँ। ये आपको मैंने 15 सेंटेंसेस दिए हैं, इनको आपने ध्यान से देखना है, अच्छी तरह से देखना है। अगर आपको ये अंडरस्टैंड हो गई, ये समझ आ गई, इसका मतलब आपने यहाँ तक टेंस जो है वो सीख लिया है। उसके बाद एक और एक्सरसाइज है इसी की मिक्स में ही, ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। 10 ही सेंटेंस मैंने इसके दिए हैं आपको, ज़्यादा नहीं दिए हैं। इनको भी आप देख लीजिएगा, यहाँ पर मैंने ऑप्शंस दिए हैं, बाइज, बॉट, हेल्प्स, हेल्पर, वॉच, वॉचिंग, ठीक है। आपने देखना है इन दोनों में से यहाँ पे क्या आएगा। ये दोनों से एक्सरसाइज आप करेंगे तो कल मैं आपको ये फिर टैली करवाऊँगी, ठीक है बेटा। तो आज मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं दिया, कल हम इसका ये क्वेश्चन भी करेंगे, व्हाट आर द एनवायरमेंटल हैजार्ड्स दैट योर सिटी फेसेस। और इसका भी एक क्वेश्चन रहता है, हैव यू एवर फियर्ड, एंड मुझे लगता है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 6 ये भी करेंगे। और इसके साथ साथ हम कल पॉइम दूसरी पढ़ेंगे, टू द कुकू। ओके बेटा, आदाब।